हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सत्या मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज लखनऊ से एक बार आप सभी के समक्ष प्रश्नों के संकलन के साथ उपस्थित हूँ। यह संकलन उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो बीएड की परीक्षा देने जा रहे हैं, यानी बीएड एग्जाम एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं। न केवल बीएड की परीक्षा देने जा रहे हैं बल्कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर का की प्रवेश परीक्षा या स्नातकोत्तर एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। मेरा आज का ये लेक्चर उनके लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगा। बच्चों, मैं समाजशास्त्र विषय से संबंधित हूँ। आप लोगों को मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि बीएड प्रवेश परीक्षा में लगभग 30 प्रश्न अनिवार्य रूप से समाजशास्त्र विषय के पूछे जाते हैं। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आप लोगों की सहायता कर सकूं। उन विद्यार्थियों के लिए भी हमारा व्याख्यान उपयोगी होगा जो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थी रहे हैं और काफ़ी सहज ढंग से मैं अवधारणाओं को और विषय को विश्लेषित करने का प्रयास करूंगी, जिससे कि उन विद्यार्थियों के लिए भी हमारा व्याख्यान उपयोगी साबित हो जो कि समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थी नहीं हैं। लेकिन चूंकि बीएड प्रवेश परीक्षा में कुछ प्रश्न, मैंने जैसा कि पहले बताया, लगभग 30 प्रश्न अनिवार्य होते हैं जिनको क्वालिफाई करना आपके लिए आवश्यक है, मैं शुरू करती हूँ विषय के पृष्ठभूमि से। आप सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र एक नया विषय है, एक आधुनिक विषय है और समाजशास्त्र का जन्म, जैसा कि टीबी बॉटोमोर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशियोलॉजी अ गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर में समाजशास्त्र के इतिहास की व्याख्या करते हुए लिखा है कि इसका इतिहास मात्र 150 वर्ष पुराना है जब वो उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। अभी लगभग समाजशास्त्र के जन्म को 200 वर्ष भी नहीं हुए हैं, लगभग 200 वर्ष होने को जा रहे हैं। तो हम एक नए विषय की व्याख्या के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। समाजशास्त्र का जन्म यूरोप में हुआ। ऐसा नहीं है कि समाजशास्त्र के जन्म के पूर्व समाज का अध्ययन नहीं होता था। समाज का अध्ययन विभिन्न अनुशासनों के अंतर्गत बहुत पहले से होता आया है। नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र ऐसे विषय थे जो कि समाज का विभिन्न आयामों से विश्लेषण और व्याख्या करते आए थे। लेकिन आधुनिक और वस्तुपरक ढंग से, या यूँ कहें कि वस्तुपरक और वैज्ञानिक ढंग से आधुनिक समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का जन्म हुआ। जैसा कि मैंने अभी बताया, समाजशास्त्र का जन्म यूरोप में हुआ, यूरोप में फ्रांस में हुआ। बच्चों, आपको एक चीज़ बता दूं, रॉबर्ट बीरस्टीड ने द सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक में एक अपना कथन उल्लिखित किया है। उनका कथन है, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है जबकि इसका अतीत काफ़ी प्राचीन या लंबा है। रॉबर्ट बीरस्टीड की यह पुस्तक भी पूछी जाती है एग्जाम में और इनका यह कथन भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अतः आप लोग नोट कर लें। अपने प्रिय अभ्यर्थियों से यह भी कह दूं कि आप लोग एक नोटपैड और पेन लेकर बैठें और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स नोट करते जाएं। समाजशास्त्र का प्रतिपादन फ्रांसीसी समाज वैज्ञानिक अगस्त कॉम्ट ने 1838 में किया, यानी कि समाजशास्त्र के जन्म का देश कौन सा है? फ्रांस है। समाजशास्त्र के जनक हैं अगस्त कॉम्ट। इन्होंने 1838 में एक नवीन विषय के रूप में समाजशास्त्र की रचना की। बच्चों, जब हम समाजशास्त्र के जनक या समाजशास्त्र के पिता की बात करते हैं तो एक चीज़ और भी उल्लेखनीय है कि मैं आपको यह भी बता दूं कि समाजशास्त्र की माता अर्थात मदर ऑफ सोशियोलॉजी का क्या नाम है। मदर ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र की जननी है हैरियट मार्टिन्यू। हैरियट मार्टिन्यू का जन्म 1802 में इंग्लैंड में हुआ था। अभी तक तो यह प्रश्न नहीं पूछा जाता रहा है, लेकिन हो सकता है कि इस बार पूछा जाए या फिर आने वाले समय में या फिर स्नातकोत्तर एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से यह प्रश्न पूछा जाए। बच्चों, आपको यह भी बता दूं
कि विगत माह में 15 और 16 जून को हमने एक वेबिनार कराया था जिसमें प्रमुख वक्ता थे प्रोफेसर राजेश मिश्रा। इन्होंने समाजशास्त्र के उदय और विकास में महिला समाजशास्त्रियों के योगदान पर दो भागों में अपना व्याख्यान दिया था। ये व्याख्यान बेहद उपयोगी है। वे बच्चे जो स्नातकोत्तर के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं और स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विषय में करना चाहते हैं या फिर समाजशास्त्र के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं, आप लोगों के लिए ये व्याख्यान बेहद उपयोगी होगा। ये व्याख्यान हमारे YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद डॉक्टर सत्या पर अवेलेबल है, आप लोग इसे अवश्य देखें। आप लोगों के अंदर समाजशास्त्र के उदय और विकास के प्रति एक गहरी समझ को पैदा करने वाला यह व्याख्यान साबित होगा। बच्चों, आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं बात कर रही थी हैरियट मार्टिन्यू की, जो कि मदर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। इन्हें पहली महिला समाजशास्त्री की संज्ञा भी दी जा सकती है। इन्होंने अगस्त कॉम्ट के कार्यों का अनुवाद किया, अनेक लेख और पुस्तकें लिखीं और अपने समय में ये बेहद लोकप्रिय थीं। मैंने जैसा कि बताया, इनका जन्म इंग्लैंड में 1802 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1876 यानी 1876 में इंग्लैंड में हुई। लेकिन इनके योगदानों को भुलाया नहीं जा सकता। अभी तक ये कुछ विषय अछूते रहे हैं, लेकिन अब वर्तमान समय में इन पर अध्यापन किया जाने लगा है। बच्चों, समाजशास्त्र के संस्थापक पिता अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को पहले सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी। इन्होंने इसका नामकरण सामाजिक भौतिकी के रूप में किया। लेकिन बेल्जियम के एक प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक गणितज्ञ एडोल्फ क्वेटलेट ने इसी नाम से यानी सोशल फिजिक्स नाम से अपनी पुस्तक प्रकाशित कर दी। अतः अगस्त कॉम्ट के ऊपर बौद्धिक चोरी का आरोप न लगे, इसलिए इन्होंने समाजशास्त्र विषय का या एक नए विषय का, जो कि समाज का वस्तुपरक और वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय बनाना चाहते थे अगस्त कॉम्ट, एक नए विषय के रूप, एक आधुनिक समाज का अध्ययन करने वाला एक नया विषय प्रतिपादित करना चाहते थे, उसका नाम सामाजिक भौतिकी की जगह बदलकर समाजशास्त्र रख दिया। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला सोशियस और दूसरा लेगोस या लोगस। सोशियस शब्द लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ है समाज, और लेगोस या लोगस शब्द ग्रीक भाषा का है जिसका अर्थ है विज्ञान, अर्थात समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र है। इसको लेकर प्रसिद्ध समाजशास्त्र समाज वैज्ञानिक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी आपत्ति जताई। उनका प्रसिद्ध कथन है कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। यह कथन J.S. मिल का है, बच्चों इसे भी नोट कर लीजिए, यह कथन भी बहुत पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। मिल ने समाजशास्त्र यानी J.S. मिल ने समाजशास्त्र के स्थान पर नीतिशास्त्र शब्द के प्रयोग पर बल दिया, नीतिशास्त्र यानी इथोलॉजी। लेकिन लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया, तत्कालीन विद्वानों ने इसे अस्वीकृत कर दिया और समाजशास्त्र शब्द को स्वीकार किया गया। बच्चों, आपको ये भी बता दूं कि फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्ट अपने बौद्धिक गुरु सेंट साइमन से अत्यधिक प्रभावित थे, यानी सेंट साइमन अगस्त कॉम्ट के बौद्धिक गुरु थे। इन्होंने व्यक्तिगत सचिव के रूप में सेंट साइमन के साथ मिलकर, यानी कॉम्ट ने सेंट साइमन के व्यक्तिगत सचिव के रूप में काफ़ी कार्य किया, लेकिन बाद में कुछ मतभिन्नता हो गई और दोनों अलग हो गए। समाजशास्त्र के संस्थापक पिता अगस्त कॉम्ट की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, आप इन्हें भी नोट कर लें, पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, एजुकेशन एंड सोसाइटी, जो कि मरणों उपरांत प्रकाशित हुई। बच्चों, समाजशास्त्र के पिता अगस्त कॉम्ट ने एक नए विषय का प्रतिपादन किया जो कि आधुनिक समाज का उन पद्धतियों के माध्यम से अध्ययन कर सके जो पद्धतियां प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन में प्रयुक्त की जाती रही हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि समाज का वस्तुपरक और वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की
एक नए विषय के रूप में नींव रखी। उन्होंने समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति के रूप में प्रत्यक्षवाद को प्रतिपादित किया। प्रत्यक्षवाद की पद्धति के आधार पर ही समाजशास्त्र अध्ययन करेगा, ऐसा कॉम्ट का मानना था। प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताएं बताई हैं अगस्त कॉम्ट ने, जैसे कि सार्वभौमिक और सार्वकालिक नियमों की स्थापना करना, अनुभवात्मक अवलोकन, प्रयोग का प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग और ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग। और अगस्त कॉम्ट ने अध्ययन पद्धति को स्पष्ट करने के पश्चात समाजशास्त्र को दो भागों में वर्गीकृत किया और समाजशास्त्र की विषय वस्तु को भी स्पष्ट किया। कॉम्ट ने समाजशास्त्र को दो भागों में वर्गीकृत किया, नंबर एक सामाजिक स्थैतिकी या सोशल स्टैटिक्स, जिसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा, और नंबर दो सोशल डायनेमिक्स या सामाजिक गतिकी या सामाजिक गतिशास्त्र, जिसके अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन या गतिशीलता की व्याख्या की जाएगी। इस प्रकार से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है। आपको ये भी बता दें कि अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र को समाज का प्राकृतिक विज्ञान बनाना चाहते थे। टीबी बॉटोमोर ने कहा है कि समाजशास्त्र नए औद्योगिक समाज का विज्ञान है। हम आपको ये भी बता दें कि अगस्त कॉम्ट के अतिरिक्त हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, टॉलकॉट पार्सन्स और मैक्स वेबर, ये कुछ ऐसे प्रारंभिक समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र के उदय और विकास में, विशेष तौर पर समाजशास्त्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बच्चों, मैं समाजशास्त्र से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको बता दूं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बड़े पैमाने पर पूछी जाती हैं। समाजशास्त्र, इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों और सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। इसी प्रकार से मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को ऐसा विज्ञान माना है जो कि सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। जॉर्ज जिमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। बच्चों, आपको बता दूं कि जॉर्ज जिमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रणेता हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिनिधि हैं। अतः इनका मानना है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हैरी एम जॉनसन का मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विषय है। इसी प्रकार से मैकाइवर और पेज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोसाइटी में स्पष्ट किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। बच्चों, एक चीज़ बता दूं, जिन विद्यार्थियों ने समाजशास्त्र को नहीं भी पढ़ा है एक विशेष विषय के रूप में, वे भी ये कथन जानते होंगे कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। लेकिन बच्चों, बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। मैं आपको बता दूं कि जब हम बीए फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं और उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और पूछते हैं कि आप समाजशास्त्र के विषय में क्या जानते हैं, तो वो सीधे कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। यह कथन बिल्कुल गलत है। समाज शास्त्र नहीं बल्कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जिसका अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र है, ऐसा मैकाइवर और पेज ने कहा है। तो यह आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बच्चों, एक चीज़ और भी स्पष्ट कर दूं कि एलेक्स एंकल्स ने व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक में समाजशास्त्र की परिभाषाओं को तीन भागों में वर्गीकृत किया है। नंबर एक, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन करने वाले विषय के रूप में विकसित किया गया। कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जैसे वॉल्ड, गिटिंग्स और समनर, जिन्होंने समाजशास्त्र को ऐसा विज्ञान माना है जो कि समाज का अध्ययन करता है। नंबर दो, समाजशास्त्र संस्थाओं का अध्ययन करने वाला विषय है, ऐसा कौन मानता है? एलेक्स एंकल्स ने यह विभाजन किया है। उनका मानना है कि दुर्खीम ऐसा कहते हैं। सामूहिक तथ्य, सामूहिक प्रतिनिधान हमें दिखाई नहीं देते। सामाजिक संस्थाएं जो कि
प्रायः नियमों और कार्य प्रणालियों के रूप में समाज में विद्यमान रहते हैं, उनका अध्ययन करने वाला विज्ञान है समाजशास्त्र। और नंबर 3, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन से संबंधित है, ऐसा कौन मानता है? एलेक्स एंकल्स कहते हैं ऐसा मैकाइवर एंड पेज और क्यूबर जैसे समाजशास्त्री मानते हैं। बच्चों, आपको यह भी बता दूं, समाजशास्त्रीय अध्ययनों के 2 परिप्रेक्ष्य हैं। एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, जिसके प्रतिनिधि अगस्त कॉम्ट हैं, जो कि समाजशास्त्र को विज्ञानवाद कहते हैं, और प्रत्यक्षवादी पद्धति के अध्ययन के प्रयोग के आधार पर समाज का अध्ययन करने वाला विषय उसे मानते हैं। और दूसरा परिप्रेक्ष्य है मानववादी परिप्रेक्ष्य। मानववादी परिप्रेक्ष्य के प्रणेता हैं डिल्थे और मैक्स वेबर। इनका मानना है कि यांत्रिक तरीके से वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, और इन वैज्ञानिकों ने, मानववादी परिप्रेक्ष्य को मानने वाले वैज्ञानिकों ने, मानववादी अध्ययन पद्धति या व्याख्यात्मक बोध या वर्स्टहन जैसी अध्ययन पद्धतियों को समाजशास्त्रीय अध्ययनों के लिए सुझाया है। तो बच्चों, मैंने काफ़ी प्रयास किया है कि मैं काफ़ी तथ्यात्मक ढंग से आपके समक्ष अपने व्याख्यान को बिंदुवार प्रस्तुत करूं, जिससे कि आपको अधिक से अधिक मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस तैयार करने में मदद मिले। बच्चों, एक चीज़ और भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम किसी भी विषय के इतिहास की बात करते हैं, किसी भी विषय के प्रादुर्भाव की बात करते हैं, तो हमारे लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर यह विषय आया कहाँ से। तो बच्चों, मैं आपको बता दूँ, मॉरिस जिन्सबर्ग ने सोशियोलॉजी नामक पुस्तक में और टीबी बॉटोमोर ने सोशियोलॉजी अ गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर नामक पुस्तक में समाजशास्त्र के इतिहास की विस्तृत व्याख्या की है। यानी उन कारणों को खोजने का प्रयत्न किया है कि जिनके कारण समाजशास्त्र एक नए विषय के रूप में उत्पन्न हुआ, यानी समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि का आकलन करने का प्रयत्न किया है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इन मॉरिस जिन्सबर्ग और टीबी बॉटोमोर का मानना है कि समाजशास्त्र के उदय के 2 कारण रहे हैं, एक सामाजिक कारक और दूसरे बौद्धिक कारक। सामाजिक कारक 2 हैं, एक फ्रांसीसी क्रांति और दूसरा औद्योगिक क्रांति। बच्चों, आपको बता दूं कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में घटित हुई, फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में घटित हुई। फ्रांसीसी क्रांति राजनीतिक क्रांति थी, राजनीतिक विकास का रास्ता थी, जिसके 3 मूल विचार थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। औद्योगिक क्रांति 1750 से लगभग 1750 से 1850 के बीच में सर्वप्रथम इंग्लैंड में घटित हुई, और बाद में पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति से भी पूरी दुनिया प्रभावित हुई, और प्रजातंत्र के विचार यानी जनतंत्र की अवधारणा वहीं से विकसित हुई। औद्योगिक क्रांति, बच्चों आपको ये भी बता दूं कि प्रसिद्ध इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी ने अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री नामक अपनी अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक में औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी है। मतलब जो 1750 से लगभग 1750 से 1850 ईस्वी के बीच में जो सामंतवादी व्यवस्था के स्थान पर एक नई पूंजीवादी व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ, ये व्यवस्था फैक्ट्री प्रणाली पर आधारित थी, कारखाना व्यवस्था पर आधारित थी, इसको अर्नोल्ड टॉयनबी ने औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी। औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति ने तत्कालीन सामाजिक संरचना को बिल्कुल बदल कर रख दिया। आधुनिक औद्योगिक पूंजीवादी समाज का जन्म हुआ, जिसके अध्ययन के लिए कॉम्ट ने समाजशास्त्र जैसे नवीन विषय की रचना की। इसके अतिरिक्त बॉटोमोर ने 4 बौद्धिक स्रोत अथवा बौद्धिक कारण भी समाजशास्त्र की उत्पत्ति के चिन्हित किए हैं। नंबर 1, इतिहास का दर्शन। नंबर 2, राजनीतिक दर्शन। नंबर 3, उद्विकासवाद के जीव वैज्ञानिक सिद्धांत। और नंबर 4, सामाजिक सर्वेक्षण तथा समाज सुधार के आंदोलन। बच्चों, आपको यह भी बता दें कि इसके पूर्व भी हमें इतिहास की ओर देखना होगा। कुछ यूरोप में
न केवल यूरोप में बल्कि दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थीं जिन्होंने समाज की संरचना को बिल्कुल बदल कर रख दिया और एक नए विषय के प्रतिपादन के लिए कॉम्ट को प्रेरित किया। ये घटनाएं हैं वाणिज्यिक या व्यापारिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, यूरोप में पुनर्जागरण का उदय और प्रबोधन युग। इन सभी घटनाओं ने मिलकर समाज की संरचना को आमूलचूल रूप से बदल दिया और एक नवीन आधुनिक तर्कसंगत और वैज्ञानिक समाज उत्पन्न हुआ, जिसके अध्ययन के लिए कॉम्ट ने समाजशास्त्र की एक नवीन विषय के रूप में रचना की। बच्चों, काफ़ी कुछ समेटने का प्रयत्न किया है हमने आज के अपने इस लेक्चर में। इस लेक्चर के अगले चरण में हम एक बार पुनः उपस्थित होंगे इस व्याख्यान के भाग दो के साथ, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को समाजशास्त्र से संबंधित प्रसिद्ध कुछ पॉपुलर लोकप्रिय अवधारणाओं और उनके प्रतिपादकों पर प्रकाश डालें, समाजशास्त्र से संबंधित कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों और कुछ प्रसिद्ध कथनों को लेकर। ये सभी चीज़ें आपको आपकी परीक्षा में, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको बहुत सहायता प्रदान करेंगी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो बच्चे स्नातकोत्तर एंट्रेंस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनको भी इससे हेल्प मिलेगी, और जो समाजशास्त्र के लिए नए विद्यार्थी हैं, आशा है कि हमारा ये व्याख्यान समाजशास्त्र के प्रति एक समझ उत्पन्न करने का एक सकारात्मक प्रयास साबित होगा। आप लोगों से हम फिर मिलेंगे जल्दी ही अपने व्याख्यान के भाग दो के साथ। नमस्कार, थैंक यू।